एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम सुबह 7 बजे से। बस हमारे निकलने में ना 2 ही मिनट लेफ्ट हैं घर से, और मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग की एडिटिंग कर दे, स्टार्टिंग कर देते हैं। अगर स्टार्टिंग हो जाए ना तो ब्लॉग हमारा फिर बन ही जाता है, और अगर स्टार्टिंग ही ना हो पाए तो बस फिर ब्लॉग रह ही जाता है। तो चलिए अभी हम कर रहे हैं अपनी चाय पी लेती हूँ। पीहू अभी छोटी करवाने गई हुई है अपनी भाभी के पास। वो ना यहाँ आती है तो भाभी से ही छोटी करवाती है अपनी, एंड मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे बोलो। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। हम अभी आए हैं स्कूल से, और लस्सी नहीं ली आपने? क्यों नहीं ली? मैं तो पेट में दर्द हो रहा है इसलिए नहीं ली। हैंड वॉश करके लेके आना। और हम कर रहे थे लंच, मम्मी ने बनाए हैं छोले रोटी। शाम के हो चुके हैं 5:15, और मैं जा रही हूँ पीहू को लेने। पीहू का दुपट्टा हमने दिया हुआ था डाई करने, तो पहले वो लूँगी, फिर आते हुए पीहू को लूँगी। और ना मटकी डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा ना स्टोन वगैरह लेना है, तो पीहू के साथ ही लेना है वो भी। तो चलिए चलते हैं। और मैं अपनी एक्टिवा ना अंदर नहीं करती, इतने इतने पीहू घर नहीं आती, क्योंकि ना हस्बैंड कभी भी कह सकते हैं कि जाओ आज पीहू को आप ले आओ। और चप्पल ये वाली तो मैं तो नहीं जाऊंगी, सैंडल वेयर कर लेती हूँ, ये वाले कर लेती हूँ फिर। और ना पीहू की ना मटकी भी पेंट करनी है। कंपटीशन तो वैसे इसका 29 को है, मतलब छुट्टी से, दिवाली से एक दिन पहले, धनतेरस वाले दिन। बट स्टिल मेरा ये है कि जो काम निपट जाए तो निपट जाए। क्या लेकर आई है? मेरे लिए भी ले आती है। कल ना हमारे बच्चों का स्कूल से ट्रिप जा रहा है बाहर, तो बच्चे खाएंगे पिएंगे। और पीहू को हो रहा है कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि आप जाओगी तो मुझे भी जाना है, बट सेम क्लास में नहीं है तो नहीं जा सकती ऐसे। तो वो बोल रही थी मुझे आज ही पार्टी दो, मुझे आज ही पार्टी दो, तो इसलिए उसको मैंने सैंडविच दिलवा दिया। और फिर वो मेरे लिए भी ले आई। मैं कि मेरे लिए भी ले आई तो हल्का फुल्का सा ही सामान है, मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ना इस टाइम भूख लग जाती है और अभी खाना बनने में टाइम है थोड़ा सा। चलिए जी, हम बन रहे हैं पेंटर। अब हम करेंगे ये मटकियाँ पेंटिंग। नो, मम्मा द पेंटर, पीहू द पेंटर। वैसे इतना सुंदर कलर हुआ हुआ है इस पे। नहीं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको दिखा के लाती हूँ मटकी जिसपे मैंने कलर करा है। ये देखो, अभी सिर्फ इन पे वाइट पेंट करा है मैंने, देन अभी इन पे रेड पेंट करना बाकी है। एंड वाइट पेंट की वजह से मेरे हाथों पे से थोड़ा थोड़ा कलर रह गया, बाकी तो उतर गया। मटकियों की वजह से ना आज हमारे सारे हाथों पे रंग लग गया। इसको साइड करने जा रही थी मैं, और ये देखिए पेंट यहाँ लगा हुआ है थोड़ा सा, ये ना अभी क्लीन नहीं हुआ। मेरे तो हो गए बाय खाट। कैसे उतारा अब ये? रगड़ के। मेरे तो हाथों में दर्द हो गया, देख मेरा तो ना ये जख्म भी हुआ हुआ है, ये देख इस पे ब्रश लग गया, अब दर्द हो रही है इस पे। मैं तो हाथ लाल हो गए थे। बोरोप्लस है यहाँ लगा दे थोड़ी सी, ला के मेरे हाथ पे। दुखी कर दिया इन मटकियों ने, सिंपल पेंट कर देते इससे अच्छा वो वाला। रेड तो नहीं मैं बिल्कुल भी अप्लाई करती, बिल्कुल भी नहीं करूँगी रेड, वो वाला लेके आएंगे पोस्टर कलर। हाँ एक्रेलिक, पोस्टर में शाइनिंग नहीं होती ना। अच्छा वो जब उनको टच करते हैं तो हाथों पे लग जाते हैं। एक्रेलिक में शाइनिंग वाले आते हैं ना, जो उनसे वो लेके आएंगे। है नानी के शिष्य में जो वहां से लेके आ। तो गाइस आज है तबीयत खराब, और आवाज भी खराब है कल की तरह ही, और वैसे भी हालत पेट में दर्द हो रहा है तो वैसे भी हालत ख़राब है। और ये रही पीहू, यहाँ मैंने छोड़ दी, मैंने पकड़ लिया। ये रही पीहू,
आज कुछ लोग भी हमने कुछ खास नहीं बनाया। पहले हम मैं पीहू को लेने गई थी जब दुपट्टा वगैरह लेके आई, फिर दोबारा गए थे हम। तो गाइज इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ, और आपने मेरी वीडियो में भी आवाज़ सुनी है और अभी देखिए एडिटिंग के टाइम पर भी गला बहुत भारी हो रखा है। या तो ये सीज़न की वजह से हो रहा है या फिर और कोई रीज़न है। पानी तो क्योंकि मैं ठंडा नहीं पीती थी और ना ही ऐसा है कि मैं अब बंद करूँगी, पर ठंडा पानी मैं पीती नहीं हूँ फ्रिज वाला फिर भी, लेकिन गला मेरा जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है और होपफुली मुझे बुखार ना हो ऐसी आशा करती हूँ। और इसी होप के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और मैंने पीहू को यहाँ परेशान करी थी कि ये वाली पीहू, छोटे वाली पीहू क्यूट थी, बड़े वाली पीहू तो नॉटी हो गई है, और ये कह रही थी कि नहीं बड़े वाली पीहू अच्छी है, छोटे वाली पीहू नॉटी है।